जी जावा में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा होता है वेरिएबल इज़ अ कंटेनर एज लाइक सी और सी प्लस प्लस विच होल्ड वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यूज़ को होल्ड करता है और वेरिएबल्स इज असाइंड विद अ डाटा टाइप उसकी डाटा टाइप होती है वेरिएबल्स की और वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन एक्चुअल में जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जब आप ये लिखते हैं इंट ए तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक का जो एड्रेस होता है वो इस ए के पास होता है तो जावा में तीन किस्म के वेरिएबल्स हैं यहाँ पर अगेन वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि वेरिएबल ए नेम और रिजर्व एरिया लोकेटेड इन अदर वर्ड इट्स नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन यानी कि ये वेरिएबल जो होते हैं ये मेमोरी लोकेशन का नाम होते हैं वेरिएबल्स की तीन टाइप्स हैं जावा में लोकल वेरिएबल्स हैं इंस्टेंस वेरिएबल हैं और स्टैटिक वेरिएबल हैं जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिखाया गया लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर इन साइड बॉडी ऑफ मैथड की अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ वन और इस एफ वन की बॉडी में अगर आप जो फंक्शन बनाएंगे सॉरी वेरिएबल्स बनाएंगे तो ये लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे और इन वेरिएबल्स को आप कैन ओनली बी यूज विद इन बॉडी ऑफ फंक्शन फंक्शन से बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते मैथड इज द इन द क्लास आर नॉट इवन अवेयर दैट द वेरिएग्जिस्ट लोकल वेरिएबल नॉट बी डिफाइंड की वर्ड यह बात भी आपने याद रखनी है कि लोकल वेरिएबल जो स्टैटिक है ना वो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं जो हर जगह पर एक्सेस किए जा सकते हैं तो जाहरा है जब ये हम बनाई लोकल वेरिएबल रहे हैं जिसने एक्सेस ही यूज ही सिर्फ फंक्शन की बॉडी में होना है तो उसको स्टैटिक रखने की कोई तुक नहीं बनती सेकेंड जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो है इंस्टेंस वेरिएबल जो मोस्टली यूज भी होता है कि आप जब क्लास क्रिएट करते हैं उस क्लास की बॉडी में आउटसाइड द फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे आप जो वेरिएबल बनाएंगे उसे आप इंस्टेंस वेरिएबल कह सकते हैं अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल मेम्बर वेरिएबल भी कहा जाता है और इसको भी आप ये भी स्टैटिक नहीं होते नॉन स्टैटिक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज दैल्यू ऑफ इंस्टेंस स्पेसिफाई नॉट शेयरड अमंगस इसलिए कहते हैं कि जब आप जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल का उस ब्लॉक का एक इंस्टेंस बन जाता है एक कॉपी बन जाती है जो कि शेयर नहीं होती थर्ड टाइप है वेरिएबल की वो है स्टैटिक

हैप्पन्स ओनली वंस वेन द क्लास इज लोडिड इन द मेमरी बार बार यानी कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये उतनी दफ़ा नहीं बनेगा बल्कि ये एक ही दफ़ा बनेगा ये डिफरेंट टाइप्स की एक एग्जाम्पल आपको दी गई है कि क्लास बनाई गई है ये सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल बनाया गया जैसा हमने कहा था कि विद इन दी क्लास आउटसाइड द फंक्शन देखें ये पैथड है मैथड से बाहर क्लास के अंदर जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है और यहीं पे अगर आप स्टैटिक का कीवर्ड लगा देंगे तो वो स्टैटिक वेरिएबल होगा जिसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी इंस्टेंस क्रिएट करते हुए तीसरी जो टाइप है लोकल वेरिएबल तो ये देख लें कि मैथड की बॉडी में जो वेरिएबल्स होंगे वो लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे वेरिएबल्स को हम उसी तरह डिक्लेयर करते हैं जिस तरह हम सी प्लस प्लस में डिक्लेयर किया करते थे यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको एक एग्जांपल दी गई है कि ये एक सिंपल क्लास है ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन में सबसे पहले एक वेरिएबल ए बनाया गया फिर वेरिएबल बी बनाया गया जिसको वैल्यू असाइन की गई टेन और यहाँ पर एक वेरिएबल सी बनाया गया जिसमें ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड करके रिज़ल्ट को स्टोर किया गया यानी कि ए की वैल्यू टेन है बी की वैल्यू टेन है तो सी में ट्वेंटी स्टोर हो जाएगा और उसको उन्होंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे भी अगर आप देख लें एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वाइडनिंग का देखें इंट जो है वो चार बाइट्स लेता है और फ्लोट एट बाइट्स लेता है। यह हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसमें हमने टेन स्टोर किया है टेन और ये एक वेरिएबल है एफ जो आर्ट बाइट्स है मैं उसको थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि जाहिर है वो आर्ट बाइट्स का और इसको असाइन किया जा रही है की जा रही है ए की वैल्यू ए की वैल्यू असाइन की जा रही है आपको तो जाहिर है छोटे से बॉक्स में पड़ा हुआ था इसको यहाँ लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हम कहते हैं वाइडनिंग वेरिएबल्स को वाइडनिंग किया जा रहा है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे प्रिंट करें तो टेन ही प्रिंट होगा जी अब यहाँ पे देखिएगा आप कि हमारे पास एक वेरिएबल है एफ आठ बाइट्स का वेरिएबल है जहाँ पर हमने टेन पॉइंट फाइव को स्टोर किया हुआ अब एक वेरिएबल है ए उसमें हम ये स्टोर करना चाहते हैं तो ये नैरोइंग है कि हम बड़ी डाटा टाइप को छोटी डाटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं टाइप कास्ट कर रहे हैं तो इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते वाइडनिंग के वक्त तो आपने सिंपल ए असाइन कर दिया था ना एफ़ को यहाँ पे आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो एरर आएगा जैसा कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि छोटी डाटा टाइप को बड़ी डाटा टाइप में आपने पहले एग्जाम्पल में स्टोर किया था तो वो तो कोई इशू नहीं है लेकिन आप बड़ी को छोटी में स्टोर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगी ये जो चीज़ आपको लिखी गई है ना के इसके क्या आप यूँ लिखें एंड ए इज़ इक्वल टू एफ़ यहाँ पर आपको डाटा टाइप बतानी पड़ेगी कि इस एफ़ को यानी कि फ्लोट को इंटीजर में पहले कन्वर्ट किया जाए और फिर उसे इंटीजर में स्टोर किया जाए तो इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं वैसे हमने बाद में टाइप कास्टिंग बड़ी डिटेल में हमने एक लेक्चर में डिस्कस भी करनी है यहां पे टाइप कास्टिंग करते वक्त एक इशू आता है जैसा कि यहां पे देखें एक वेरिएबल ए है जिसमें हमने 130 स्टोर कर दिया और एक वेरिएबल है बाइट टाइप है एक बाइट। और हम इस ए को बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं और ए में वन थर्टी पड़ा हुआ है अब जब ए को बाइट में कन्वर्ट किया गया यानी कि चार बाइट्स को वन बाइट में स्टोर किया जा रहा है तो जाहिर है उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप कर नहीं सकेंगे आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ी तो वो तो उन्होंने कर दिया एरर नहीं आया लेकिन ये जो 130 था जब आप इसे बाइट में स्टोर करना चाहते हैं तो बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो 128 है क्योंकि आपके पास बाइट जो है वो आठ बिट्स का होता है यानी कि दो सौ छप्पन तो दो सौ छप्पन में माइनस एक सौ अट्ठाईस से लेकर आई थिंक माइनस वन ट्वेंटी सेवन से लेकर या वन ट्वेंटी एट से लेकर प्लस वन ट्वेंटी एट तक की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं तो अगर मैं वन थर्टी को स्टोर करना चाहता हूं तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा ओवरफ्लो का मतलब ये है कि वन ट्वेंटी एट से ये यू समझ ली क्लाक वाइज काम करता है यूं ये क्लॉक है यहाँ पे यहाँ माइनस वन ट्वेंटी एट है फिर माइनस वन ट्वेंटी सेवन है सॉरी मैं दोबारा इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ पॉइंटर मेरा थोड़ा सा ये है जी वन ट्वेंटी एट माइनस वन ट्वेंटी एट यहाँ माइनस वन ट्वेंटी सेवन और यहाँ है माइनस वन ट्वेंटी सिक्स इसी तरह ये ये चल रहा है 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 और चलते चलते फिर यहाँ पे 126, 127 और 128 आ गया तो अब जब हम ए, 130 स्टोर कर रहे हैं तो वो यूँ समझ लें कि 128 किलोमीटर से अबव जा रहा है तो वो यहाँ से ए, 128 जो सर्कल लेते हुए वो इस जगह पे आ जाता है और वो ये वैल्यू जो है वो स्टोर कर देता है और 126 प्रिंट हो जाता है ये गालिबा यहाँ पे 127 ही है इसीलिए ये 128 था ये 129 है और ये 130 है तो आउटपुट आपकी माइनस वन आएगी तो ये हमें इस एग्ज़ैम्पल को रन करके जो मैं बात कर रहा हूँ इसको मुख्तलिफ यहाँ पर वैल्यू स्टोर करके आप प्रिडिक्ट कर लें पहले ख़ुद से प्रिडिक्ट करें कि क्या आउटपुट आएगी और फिर इसके आउटपुट को देखें क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड किया जा रहा है तो ए और बी को दोनों इंटीजर्स हैं और मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ए प्लस बी इंटीजर और उसको मैं बाइट में स्टोर करना चाहता हूँ तो ज़ाहिर है वो बाइट में स्टोर नहीं हो सकेगा मुझे उसको ये ये लिखना पड़ेगा बाइट डाटा टाइप तब जाके वो बाइट में कन्वर्ट होके बाइट में स्टोर होगा